फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट करंट और बेस करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज और बेस टू कलेक्टर वोल्टेज VBC। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनपुट करंट और बेस करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज और बेस टू कलेक्टर वोल्टेज VBC। तो IB और VBC के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फर्स्ट ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स वाई एक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सेस। जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वाई एक्सेस को। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स एक्सेस को। द इनपुट करंट और बेस करंट IB इज टेकन अलोंग वाई एक्सेस एंड द इनपुट वोल्टेज और बेस टू कलेक्टर वोल्टेज VBC इज टेकन अलोंग एक्स एक्सेस। इट मीन्स जो इनपुट करंट है और बेस करंट है IB, वो कहाँ पर लिया है हम लोगों ने? वाई एक्सेस पे। और जो इनपुट वोल्टेज है और बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है उसको हम लोगों ने एक्स एक्सेस पे लिया है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है वो एक्स एक्सेस पे है और जो बेस करंट है IB वो हमारे वाई एक्सेस पे है। टू डिटरमाइन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स द आउटपुट वोल्टेज VEC दैट इज एमिटेड टू कलेक्टर वोल्टेज इज कैप्ट कॉन्स्टेंट एट 3 वोल्ट। हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करने के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है VEC उसको कॉन्स्टेंट रखना है 3 वोल्ट पर। एंड द इनपुट वोल्टेज VBC इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट्स टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। और हमें जब हमारा VEC 3 वोल्ट पे कॉन्स्टेंट है तब हमें जो इनपुट वोल्टेज VBC है उसको 0 वोल्ट से डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पर उसको इंक्रीज करना है। फॉर ईच लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज VBC द करस्पॉन्डिंग इनपुट करंट IB इज नोटेड। हर एक लेवल के लिए इनपुट वोल्टेज के हर एक वैल्यू VBC के हर एक लेवल के लिए हमें करस्पॉन्डिंग जो इनपुट करंट का IB का वैल्यू उसको नोट करना है। अ कर्व इज देन ड्रोन बिटवीन इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBC एट कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज VEC। और एक कर्व जो है वो ड्रॉ किया गया है बिटवीन इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBC एट कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज VEC दैट इज 3 वोल्ट। अब क्या करना है? नेक्स्ट, द आउटपुट वोल्टेज VEC इज इंक्रीज फ्रॉम 3 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल, से फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट, एंड देन कैप्ट कॉन्स्टेंट एट 5 वोल्ट। While increasing the output voltage VEC, the input voltage VBC is kept constant at 0 volts. अब हमें क्या करना है next? जो output voltage VEC है उसको 3 volts से different voltage level पर increase करना है। Suppose हम लोगों ने उसको 5 volt तक increase कर लिया है VEC को और उसको constant कर दिया है 5 volt, VEC को constant कर दिया है 5 volt पर। While increasing the output voltage VEC, the input voltage VBC is kept constant at 0 volts. जब output voltage VEC को increase कर रहे हैं तब हमारा जो input voltage VBC है उसको constant रखा गया है 0 volt पर। After we kept the output voltage VEC constant at 5 volt, the input voltage VBC is increased from 0 volts to different voltage levels. For each level of input voltage VBC, the corresponding input current IB is noted. इसके बाद में हमें क्या करना है? जो आउटपुट वोल्टेज VEC है उसको जब वो 5 वोल्ट पे उसको कॉन्स्टेंट कर दिया उसके बाद में हम जो इनपुट वोल्टेज VBC है उसको इंक्रीज करेंगे 0 वोल्ट से डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पर। और हर एक लेवल के लिए, हर इनपुट वोल्टेज के हर एक लेवल के लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग इनपुट करंट IB का वैल्यू नोट करेंगे। फिर इस वजह से अब फिर क्या हो जाएगा? जब हम लोग एक कर्व बन जाएगा इनपुट करंट IB और इनपुट वोल्टेज VBC के बीच में एट कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज VEC दैट इज 5 वोल्ट। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर हायर फिक्स वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज VEC।
अब नेक्स्ट अगर हमें जो आउटपुट वोल्टेज है VEC उसकी जब हायर वैल्यूज़ पे जब उसका वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, मान लो 5 वोल्ट से 10 वोल्ट किया, 10 से फिर 15 किया, तो उनको क्या करना है, सपोज़ आपने 10 वोल्ट किया, 5 वोल्ट से इंक्रीज़ करके VEC का वैल्यू 10 वोल्ट कर लिया, फिर उस 10 वोल्ट पे वापस हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, जो हमारा VBC है उसका वैल्यू 0 से इंक्रीज करेंगे, और जो करस्पॉन्डिंग VBC के करस्पॉन्डिंग जो IB का वैल्यू है उसको नोट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जब जब हम लोग इंक्रीज करके कांस्टेंट करेंगे VEC का वैल्यू उसके लिए रिपीट होता जाएगा। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई टूडे डिजिटल सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजॉल्व इट ऑन द लाइव सेशन। थैंक यू।